हेलो गाइस कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है इस टाइम इवनिंग हो रहा है और बज कितना रहा है चार बजने वाला है वेदर बहुत ख़राब है यहाँ का आज वीडियो नहीं आई है मैं आप लोग को सोची कि आप लोग के साथ में एक चीज़ शेयर करी जाए वो ये कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मेंबरशिप है क्या समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है मेंबरशिप में ऐसा क्या होता है जिससे बाल अच्छे हो जाते हैं अभी आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ के सारे बाल गायब हो गए थे उड़ गए थे ना आफ्टर बिफोर की फोटो डाल दूंगी और ये किस रेमेडी से आए हैं वो हमारी सिक्स मंथ सीरीज का जो थर्ड मंथ चल रहा है ना उसमें जो मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट पार्ट अभी आएगा थर्ड मंथ का जो लास्ट पार्ट होगा नाइट हेयर पैक ओवर नाइट ओवर नाइट हेयर पैक मैं इस वीडियो में थोड़ा सा भी कट आउट नहीं करूँगी जैसे शूट कर रही वैसे रैंडम शेयर करूंगी लाइट नहीं है लाइट चली गई है बहुत देर से मैं सोच रही हूँ लाइट आ जाए वीडियो डाल दूंगी शूट करके बाकी लाइट नहीं बट उस पैक को लगाना आपको तभी है जब आप लोग उसको ठीक से यूज़ करोगे और आपकी जो एज है थोड़ी सी बीस से ऊपर होनी चाहिए मतलब बीस पंद्रह साल के जो बच्चे होते हैं उनको यूज़ नहीं करना है ठीक है ना जो छोटे बच्चे होते हैं जो पंद्रह साल से ऊपर के लोग हैं वो यूज़ कर सकते क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैक है तो इस चीज़ को सोच समझ कर यूज़ कीजिएगा और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी रेमेडी है इससे बाल आने ही आने हैं जो बाल चले गए हैं वापस लाने के लिए ठीक है वो ये पैक है और आपके बालों की जो थिकनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है इस पैक से जो मैं अभी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी ठीक है यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटी छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी वो ये कि आप इन्वर्जन मेथड ज़रूर कीजिए अपनी ये जो हमारी नेल होते हैं नेल रबिंग का काम कीजिए विदाउट नेल पेंट नेल को रब कीजिए सुबह पाँच मिनट और शाम को पाँच मिनट ठीक है इन्वर्जन मेथड तीन टाइम कीजिए एक तो मॉर्निंग में कीजिए एक आफ्टरनून में कीजिए और एक नाइट में कीजिए ठीक है दूसरी चीज ये कि एक जगह खड़े होकर आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए खड़े रहिए अपने पैरों को चलाते रहिए चलाते रहिए इससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पेट में गैस हो रही है या ब्लड का फ्लो होता है वो बढ़ता है तो हमारे हेयर की जो प्रॉब्लम होती है या स्किन पे कुछ प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है ब्लैमिशेज की प्रॉब्लम हो रिंकल्स की प्रॉब्लम हो झाइयों की प्रॉब्लम हो अंडर आई एरिया जो आपका ब्लैक है वो हो वो भी नहीं होता मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया है ठीक है बस लिपस्टिक लगाई हुई है लाइट नहीं है यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही है जो भी डे लाइट है उसमें ही मैं आप लोगों के साथ में शूट कर रही हूँ मेंबरशिप की बात कर रही थी मैं मेंबरशिप देखिए अगर आप मेंबरशिप लेते हो मेरे चैनल पर जाते सब्सक्राइबर नहीं है दो लाख भी सब्सक्राइबर नहीं है मेरे ठीक है बट देखो दो लाख लोगों की डिमांड को पूरी करना कोई ईजी काम नहीं दो लाख लोगों की डिमांड को पूरी करना मतलब दो लाख वीडियो है ना और दूसरी चीज़ ये कि देखो सबकी स्किन की प्रॉब्लम सबकी स्कैल्प की प्रॉब्लम सबकी स्किन टेक्सचर सबकी बॉडी टेक्सचर सब कुछ अलग होता है ठीक है मैं अपनी तरफ से आप लोग के साथ में जो पैक यूज़ करती हूँ जिसका फीडबैक मुझे अच्छा आता है वो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ में मेम्बरशिप में क्या होता है स्पेशली आपके बारे में बात किया जाता है जैसे आप हो आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है बाल नहीं बढ़ रहे हैं मेम्बरशिप देखिए वही लेंगे जिनको प्रॉब्लम है जिनके बाल झड़ चुके हैं जिनको जिनकी शादी है उनके पास टाइम नहीं है तो देखो मेंबरशिप ज्वाइन करने से पहले कम से कम आपके पास तीन महीना होना चाहिए छः महीना होना चाहिए और एक साल होना चाहिए जिसमें आपके बालों की जो लेंथ होती है बीस इंच आठ इंच और छः से सात इंच लंबी होती है ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा पूरा देखिएगा नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग आपके बारे में बात की जाती है केवल आपके बारे में जैसे मान लो आप हो आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो पहले आपकी स्कैल्प की ट्रीटमेंट की जाएगी जिससे ऑयलीपन खत्म हो जाए ऑयली स्कैल्प में जो बालों की ग्रोथ होती है वो कम होती है क्यों होती है ये भी बता देती हूँ वो इसलिए होती है कि जब आपकी स्कैल्प में ऑयल निकलता रहता है ऑयल रिलीज होता रहता है तो हम कोई भी इफेक्टिव चीज़ लगा लें वो इफेक्ट नहीं करती है। वो रिज़ल्ट नहीं देती आज मेरा नाइट में हेयर पैक है नाइट हेयर पैक तो नाइट हेयर पैक कह रही हूँ अभी मैंने मतलब डे में पैक नहीं लगाया था मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं लगाया था क्योंकि मैं मंडे में हेयर वॉश नहीं करती हूँ उस सिचुएशन में ठीक है वो सिचुएशन बहुत सारे लोग समझ सकते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं नहीं समझेंगे तो चलिए खैर ब्लॉग पर शेयर कर दूँगी ठीक है तो शुक्रवार मंडे और सैटरडे मैं तीन दिन हेयर वॉश नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो तो भी नहीं करती हूँ ठीक है कुछ डेज में वन मंथ में एक बार आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के साथ में होती हैं जितनी भी गर्ल्स हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर आप लोगों को मेंबरशिप के बारे में मैं बता रही तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं क्योंकि हम लोगों की बात कभी ख़त्म नहीं होती है रेंडम चिट चैट वीडियो शूट कर रही हूँ देखती हूँ कितने मिनट की होती है मेरा मन हो रहा था कि मैं आप लोगों के साथ में बात करूँ और ज़्यादा बड़ी वीडियो करूँगी तो वाईफाई वगैरह भी नहीं चल रहा है क्योंकि नेट नहीं है लाइट चली गई है तो नेट भी नहीं है मेरे फ़ोन में ठीक है ज़्यादा तो वैसे तो रिचार्ज करवाती रहती हूँ मैं नेट का भी रहता है मेरा फाइव हंड्रेड रुपीज़ का पर मंथ मोबाइल का रिचार्ज रहता है दो मोबाइल हैं तो दोनों का रहता है ठीक है दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो आप अगर वन ईयर की मेंबरशिप लेते हो या सिक्स मंथ की मेंबरशिप लेते हो या फिर थ्री मंथ की मेंबरशिप लेते हो या फिर वन मंथ की मेंबरशिप लेते हो आपको स्किन का ट्रीटमेंट दिया जाता है वन ईयर की लेते हो तो आपको पूरे वन ईयर स्किन और हेयर दोनों का रहता है सिक्स मंथ की लेते हो तो सिक्स मंथ में भी आपका सेम रहता है बट अगर आप थ्री मंथ की लेते हो तो उसमें आपको थ्री मंथ की ही आपको स्किन का, का भी दिया जाता है और हेयर का भी दिया जाता है ठीक है इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मेंबरशिप के लिए आप मुझे ईमेल करोगे ठीक है मेंबरशिप के जो चार्जेस हैं वो हैं आपके एक रुपये कम सोलह सौ सो रुपये वन फाइव नाइन नाइन रुपीज़ ठीक है अभी आप लोग के साथ में जो चीज़ें मैंने आप लोग को शेयर करी हैं वो सारी क्लियर हो चुकी हैं ठीक है दूसरी चीज़ जो भी आप लोग को समझ में ना आए कि दीदी इस पैक के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए एक चीज़ और हाँ अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी आपके स्प्लेटेंस के लिए उस पैक को आपको क्लीन हेयर पे लगाना है जैसे आपके बाल वॉश किए हों और उसके बाद से आप उसको लगा लीजिए दो घंटे रखिए और अगर आप ऑयली हेयर पे लगाते हो तो आपका जो ऑयल है कम से कम दो दिन लगा हुआ होना चाहिए और तीसरे दिन आप जब हेयर वॉश करते हो तब आप रात में लगा लीजिए और उसके बाद से वॉश कर लीजिए ठीक है कुछ नहीं है इसमें बिल्कुल सिंपल है शॉर्ट वीडियो अभी मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी शेयर करूंगी और आप लोग स्किन देख सकते हो नींद पूरी नहीं हो रही मेरी आजकल क्योंकि कल रात में भी मैं कितने बजे सोई थी आई थिंक ढाई साढ़े तीन साढ़े तीन बजे के करीब सोई थी मैं ठीक है तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा थोड़ी सी आप लोग के साथ में बातें कर ली जाए क्योंकि आप लोग बेसब्री से मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हो तो इसलिए बाय फ्रेंड्स लव यू टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा बाय